बिहार में आए राजनीतिक भूचाल के बाद अब पुलिस महकमे में बवाल मच गया है। बवाल की वजह भी ऐसी कि मामले पर कोई भी अधिकारी बोलने से बच रहा है। मामला सिर्फ एक मोबाइल चोरी का था, लेकिन पूछताछ में कुछ ऐसा खुलासा हुआ कि अधिकारी सन्न रह गए। पूरा मामला मधेपुरा जिले से जुड़ा है। यहाँ SP साहब का फोन गायब था। जांच हुई, फोन को सर्विलेंस पर लगाया गया, जिसके बाद पता चला फोन सहरसा में है। कार्रवाई करते हुए फोन को सहरसा से बरामद किया गया और महिला को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में जो महिला ने खुलासे किए, उसने पुलिस अधिकारियों के होश उड़ा दिए। महिला ने पूछताछ में खुलासा करते बताया कि उसने मधेपुरा के DSP को एक लड़की की सप्लाई की थी। महिला ने बताया DSP साहब के पास कई दफे लड़की भेजी। पहली बार तो उन्होंने पैसे दिए, इसके बाद उन्होंने पैसे नहीं दिए। महिला ने आगे बताया कि DSP साहब जब लड़की को एक घंटे के लिए अपनी कोठी में रखते थे, उसका रेट 300 रुपया था। अगर लड़की 2-3 घंटे के लिए रोका गया तो उसका रेट 500 रुपया तय था। पहली बार DSP साहब ने 300 रुपया दिया था, लड़की ने उसे 100 रुपया कमीशन भी दिया, लेकिन पहली बार के बाद DSP ने फिर कभी पैसा ही नहीं दिया। तभी लड़की उनके घर से मोबाइल ले उठा गई। दरअसल लड़की जो मोबाइल लेकर भागी थी, वह मोबाइल मधेपुरा के SP का था। पुलिस सूत्रों के अनुसार मधेपुरा SP राजेश कुमार हाल में ही छुट्टी पर गए थे। पुलिस मुख्यालय के आदेश के मुताबिक उन्होंने मुख्यालय DSP अमरकांत चौबे को SP का चार्ज दिया था। मधेपुरा SP ने सरकारी मोबाइल भी DSP को सौंपा था। इस बीच DSP ने कॉल गर्ल को अपने आवास पर बुलाया, उसे पैसे नहीं मिले, वह तकिए के नीचे रखा SP का मोबाइल लेकर चली गई। फोन चोरी होने की बात किसी को पता नहीं चली। इस दौरान सहरसा के DIG श्रीदीप लांडे ने इसी दौरान मधेपुरा SP को फोन पर कॉल किया था, लेकिन नंबर बंद मिला। SP का सरकारी मोबाइल बंद देख DIG को शक हुआ। उन्होंने SP के मोबाइल का लोकेशन चेक कराया, पता चला कि मोबाइल सहरसा में है। मधेपुरा के SP का मोबाइल लोकेशन सहरसा में देख DIG शिवदीप लांडे हैरान रह गए। इसके बाद पूरा प्रकरण शुरू हुआ और पुलिसिया कार्रवाई में मोबाइल को सहरसा से बरामद किया गया। और बरामद के बाद महिला से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि कई पुलिस अधिकारी को लड़की सप्लाई करती है और वह वर्तमान में मधेपुरा DSP को एक लड़की सप्लाई की थी, जिसने SP साहब की फोन चोरी कर ली थी। देखना होगा इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ आगे खबरें निकल कर आती है।